हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको विड्रॉल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको कोई सीट मिलती है तो आपके पास क्या ऑप्शंस रहता है? फ्लोट, फ्रीज या स्लाइड। ठीक, अगर आपको ये सीट पसंद ही नहीं है तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के बाद याद रखिएगा, आप फिर जोसा के काउंसलिंग में पार्ट नहीं कर सकते। तो ज्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आइदर सेटिस्फाई होते हैं और फ्रीज करवाते हैं, या आइदर वो फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप फिर फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको फर्दर राउंड्स में वेट करना पड़ता है। ठीक है, फर्दर राउंड्स में क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। तो जो सिक्स्थ राउंड होता है आपका, सिक्स्थ राउंड एक ऐसा राउंड होता है आपके पास लास्ट चांस रहता है विदड्रॉ करने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में कोई एनआईटी मिली, ठीक है, आपने फ्लोट करवाया, आपको फिफ्थ राउंड में एनआईटी मिली, फिर से आपने फ्लोट करवाया, तो आपका सेकेंड थर्ड राउंड वाला एनआईटी तो गया, अब आपके पास फिफ्थ राउंड वाला एनआईटी है और आप फर्दर फ्लोट करा रहे हो। तो जो सिक्स्थ राउंड होता है वो लास्ट चांस होता है, आप विड्रॉ कर सकते हो उस समय। ठीक है, लेकिन अगर आपने विड्रॉ नहीं करवाया और सेवन्थ राउंड में आपको कोई और एनआईटी मिली तो आपको उसी एनआईटी को लेकर कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट को सिक्स राउंड तक कोई सीट नहीं मिला और सेवेंथ राउंड में कोई एनआईटी मिल गया, अब वो कैंडिडेट इस एनआईटी से सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो रिपोर्ट ही ना करे या वो पेमेंट ही ना करे, तो उस केस में वो जोसा से आउट हो जाएगा और फर्दर आप सीसीएम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट को सेवेंथ राउंड में सीट मिला, ठीक, और वो कैंडिडेट चाहते हैं कि मैं उस एनआईटी को रिटेन करूं, उस एनआईटी का सीट को लू और साथ ही साथ सीसीएम में पार्टिसिपेट करूं, तो उस केस में आपको फाइनल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट जाके रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्टेंस फी तक पे करना पड़ेगा, फिर आपको ऑफिशियल्स पूछेंगे कि क्या आप फर्दर सीसीएम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो उस केस में अगर आप करना चाहते हैं तो आप सीसीएम में पार्टिसिपेट करिए। लेकिन अब देखिए, आपने कहा कि मैं सीसीएम में पार्टिसिपेट करूंगा, ठीक है, लेकिन फिर आपने सीसीएम में पार्टिसिपेट सीसीएम में रजिस्टर नहीं करवाया, तो उस केस में जो सीट है वो क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑटो विड्रॉल एक टर्म है, मतलब सीट आपका इनडायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आपको सीट मिलती है तो फ्लोट, फ्रीज एंड स्लाइड। अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है, नो सीट टिल सिक्स राउंड, तो उस केस में आपको क्या करना, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्स राउंड के बाद जिन बच्चों को सीट्स नहीं मिलती उन बच्चों को सीट्स मिलने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, और सिक्स राउंड काफी स्पेशल भी है। ठीक है, अब देखिए, नाउ वी हैव गॉटन द सीट और विल बी गेटिंग द सीट इन नेक्स्ट राउंड्स। अब देखिए, अगर आपको डिजायर्ड सीट मिलता है, डिजायर्ड सीट मिलने के बाद अगर आप फ्रीज चूज करते हैं तो सही है, आपको एनआईटी में या कोई भी अदर इंस्टीट्यूट में आपका अलॉटमेंट हो गया, अब एडमिटिंग इंस्टीट्यूट का जो कॉस्ट लगता है, जितना एडमिशन फी हो तो वो पे करिए और पे करने के बाद फिर आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई सीट मिलता है और आप क्या चूज करते हैं, फ्लोर चूज करते हैं या स्लाइड चूज करते हैं, और उसके बाद आप सिक्स राउंड तक क्या करते हैं, सिक्स राउंड में समझे आपको कोई सीट नहीं मिला, आपने विड्रॉ भी नहीं करवाया और आप सेवेंथ राउंड की ओर बढ़े, और अगर सेवेंथ राउंड में कोई मन पसंदीदा एनआईटी अगर आपको नहीं मिला तो आप विड्रॉ तो करा सकते हैं लेकिन आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो आपके पास टू ऑप्शंस रहते हैं, आइदर यू विड्रॉ द सीट्स टिल सिक्स राउंड एंड पार्टिसिपेट इन सीसीएफ, और यू कंटिन्यू विद योर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन सीसीएफ। ठीक है, अब सेवेंथ राउंड या सिक्स राउंड के बाद मतलब आपको कोई सीट्स मिला, अब आपने विड्रॉ भी नहीं करवाया, आपने सेवेंथ राउंड का वेट किया, तो 19 से 23 जुलाई 4 डेज का आपके पास टाइम रहता है, आपको एडमिटिंग इंस्टीट्यूट जाना कंपलसरी है। ठीक है, फाइनल इंस्टीट्यूट जहां पर आपका अलॉटमेंट हुआ है आपको उधर जाना ही होगा, क्योंकि उधर ही ऑफिसर्स लोग पूछेंगे कि क्या आप फर्दर सीसीएम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो आप ये जोसा के बिजनेस रूल्स में एनेक्सल 4 या 5 में ये चीज लिखा है कि इट इज मैंडेटरी टू गो टू फाइनल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, एज इन सेवेंथ राउंड इफ यू गेट नो सीट देन यू हैव टू कंटिन्यू विद द अबव सीट। अगर आप सेवेंथ राउंड के बाद 4 दिन का आपको टाइम मिलता है, आपको फाइनल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट जाके रिपोर्ट कराना पड़ेगा,
और रिपोर्ट कराने के बाद वहाँ ऑफिसर्स लोग पूछेंगे कि क्या फर्दर सीसा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं बस एक डॉक्यूमेंट्स आप लोग से सबमिट करवाया जाएगा, तो आप सबमिट कर दीजिएगा और आप सीसा में पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। नाउ द वन हु गॉट द सीट्स इन जोसा मस्ट हैव टू रिपोर्ट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। 19 से 23 जुलाई कोई भी राउंड में अगर आपको सीट मिलता है, आपको एडमिटिंग इंस्टीट्यूट आफ्टर 7th राउंड जो 4 डेज का टाइम है रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। एज इन एडमिटिंग इंस्टीट्यूट यू विल बी आस्क्ड वेदर यू वांट टू पार्टिसिपेट इन सीसा और नॉट, ठीक। अब नाउ फॉर दोस हु विल बी गेटिंग सीट्स इन 7th राउंड, अब किसी को 6th राउंड तक कोई सीट्स नहीं मिला, 7th राउंड में अगर सीट्स मिलता है, अगर वो सीट को मतलब अगर वो कंफर्म है कि हाँ भाई मुझे सीसा में सीट मिल जाएगा, तो उस केस में आप विड्रॉ ही नहीं करिए, मतलब आप रिपोर्ट ही नहीं करिए। तो जब आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपका सीट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक। और आप सीसा में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो 7th राउंड में आपको सीट मिला आप उसी को ले उसका सीट रिटेन करना चाहते हैं, उसका सीट अपने पास रखना चाहते हैं, तो उस केस में आप फाइनल इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करिए और फिर सब डॉक्यूमेंट सब वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फीस एंड ऑल आप पे करिए और फिर पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं सीसर के राउंड में। अब आपको सीसर में कोई सीट मिलता है, ठीक, सीसर में अगर आपको कोई भी सीट मिलता है तो जो आपको एनआईटी जोसा जो आपको जोसा के राउंड में कोई भी सीट मिला होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जोसा में कोई सीट मिला आप सीसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीसा में कोई सीट मिलता है तो उस केस में सीसा वाला सीट आपका फाइनल सीट होगा, जोसा वाला सीट अब आप से ले लिया जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, ओके। अगर आपको 7th राउंड में डिजायर्ड सीट मिलता है और आप चाहते हैं कि आप सीसा में पार्टिसिपेट करें, देन यू मस्ट हैव टू डायरेक्टली रिपोर्ट टू योर एडमिटिंग इंस्टीट्यूट एंड रिटेन दैट सीट। यू विल बी आस्क्ड बाय द ऑफिसर्स वेदर यू वांट टू पार्टिसिपेट इन सीसा और नॉट। अनडिजायर्ड सीट, अगर आपको अनडिजायर्ड सीट मिलता है तो कोई जरूरत नहीं है रिपोर्ट करने का, ऑटोमेटिकली फिर आप सीसा से जोसा से बाहर हो जाएंगे। जोसा से बाहर होने के बाद आप फाइनली फ्रेश वे में सीसा का काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, अभी आप एनालाइज कीजिए कि कौन कौन सा एनआईटीज आपको सीसा के स्पेशल राउंड में मिल सकता है और सीसा में रैंकिंग इंक्रीज होने का भी चांसेस रहता है, मतलब काफी ज्यादा जंप करता है रैंकिंग में, तो उस बात का आपको एडवांटेज या बेनिफिट मिल सकता है, आपको अच्छा एनआईटी भी मिल सकता है। तो आप बस एनालाइज कीजिए, ठीक है, और काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छा से कंटिन्यू कीजिए। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।